मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर वीना बंसल, उनका हम स्वागत करते हैं। वीना जी ने इस कोर्स को बहुत ही एक अपने ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ाया है और वो आज हम लोग के साथ इस कोर्स में उनका कैसा अनुभव रहा वो शेयर करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये सेशन एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा बेटा कुछ साइकिल चलाना सीखा था और वो आईआईटी कैंपस में साइकिल चलाता था। रोज मुझसे पूछता था क्या मैं आईआईटी गेट जाऊँ, और आईआईटी गेट जाने का मतलब है कि ज्यादा ट्रैफिक और कंजेशन, तो मैं उसको मना कर देती थी। एक दिन वो आके मुझे बोला कि आज मैं आईआईटी गेट हो आया। तो मैंने उसको बोला कि जब तक तुम मुझसे पूछ रहे थे तुम तैयार नहीं थे आईआईटी गेट जाने के लिए, जब तुम तैयार थे तो तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। सभी जो कस्टोडियंस हैं वो मुझे कहते थे कि वीना जी आप ये कोर्स आईआईटी में पढ़ा लीजिए, लेकिन मैं अपने आप को तैयार नहीं पाती थी और मैं मना कर देती थी। और एक दिन किसी ने मुझे कहा भी नहीं और मैंने अपने आप को बिल्कुल तैयार पाया ये कोर्स पढ़ाने के लिए, तो वो मेरे जीवन की कहानी बन गई। तो मैंने ये कोर्स जो है इसी समर में पढ़ाया था, 2022-23 एकेडमिक ईयर के समर टर्म में। 76 स्टूडेंट्स ने कोर्स में रजिस्टर किया था और हमारे पास टोटल 40 कॉन्टैक्ट आवर्स थे। और डॉक्टर कुमार गौरव मेरे को इंस्ट्रक्टर थे और मिस्टर मनोरंजन और चंदन पंडित वर असिस्टिंग इन द कोर्स। तो 13 पीजी स्टूडेंट्स थे और 63 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। तो ये कोर्स को मैंने अप्रूव कराया था 2 साल पहले, लेकिन मैं कभी ये नहीं समझ पाती थी कि मेरी पात्रता है ये कोर्स पढ़ाने के लिए कि नहीं है, क्योंकि ये कोर्स एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्स नहीं है, ये जीवन जीने का कोर्स है। तो मैं सोचती थी कि क्या मैं जी पा रही हूँ ठीक ढंग से, और अगर मैं नहीं जी पा रही हूँ तो फिर मेरी पात्रता है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर एक दिन मुझे लगा कि ये तो जर्नी है जो चलती ही रहेगी, तो कभी भी किसी भी मौके पे हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं अब तैयार हूँ, क्योंकि ये यात्रा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ये कोर्स अब पढ़ाऊंगी। तो बहुत अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर कुमार गौरव मेरी क्लास में बैठते थे और बहुत सिंसियरली, और वो मुझे उससे मुझे बहुत ज्यादा बल मिला। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया फर्स्ट डे पे, मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं को एक्सप्लोरर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जी पा रही हूँ जो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे उसके आधार पे, लेकिन मैं एक सिंसियर एफर्ट जरूर लगा रही हूँ। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि एक मिड सेमेस्टर एग्जाम था और एक एंड सेमेस्टर एग्जाम था और एक प्रोजेक्ट था, कुछ होमवर्क थे और क्विजेस थे। क्विजेस को हमने कोई क्रेडिट नहीं दिया था, ये सोच के कि स्टूडेंट सिर्फ अटेम्प्ट करें और कम से कम बहुत सारी चीजों को उस समय ध्यान से पढ़ें जब वो क्विज ले रहे हैं और उनके ध्यान में आ जाए, कोई प्रेशर नहीं फील हो। होमवर्क्स जो है वो तो स्टूडेंट्स को घर पे करना था, और उसमें भी फिर यही बात थी कि जो इस कोर्स का मेन कंटेंट है या कॉन्सेप्ट्स है उन पे ध्यान चला जाए। ठीक, क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और पार्ट बी में सब्जेक्टिव आंसर्स थे। पार्ट ए का फोकस था कि लोग स्टूडेंट्स अब कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे सकें। तो अगर किसी ने नहीं भी बहुत ध्यान दिया है उस समय जब वो एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें और वो रजिस्टर करें। पार्ट बी का फोकस था कि जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं क्लास में उन्हें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। तो एम्फेसिस ये था कि हम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई कर सकें।
ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के कोट कर रही हूँ। तो एक ये बहुत पुरानी स्टोरी है टॉलस्टॉय की, जिसमें वो एक इंसान जाता है, उसको लैंड खरीदनी है, तो वो पूछता है, वो तो जब खरीदने जाता है लैंड, तो उसको ऑफर ये मिलता है कि तुम एक पॉइंट से स्टार्ट करो और जितना चक्कर लगा के, जितनी जमीन चक्का चक्कर लगा के तुम उस पॉइंट पे वापस आ जाओगे सनसेट के पहले, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो इंसान पूरा दिन इस चिंता में रहता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन नाप लूं, और इस चक्कर में वो शाम तक उस पॉइंट पे वापस नहीं आ पाता, तो उसे सब कुछ वो अपने खो देता है। तो ये इस स्टोरी को एनालाइज करना था स्टूडेंट्स को, बेस्ड ऑन बिलीव्स, प्री कंडीशनिंग एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो ये ध्यान दिलाने की बात थी कि अगर हमारा जो प्री कंडीशनिंग है कि जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी उतना अच्छा होगा, तो इस पे ध्यान चला जाए स्टूडेंट्स का, और ये दिखाई दे जाए कि अगर हम अपने जीवन को प्री कंडीशनिंग के आधार पे जीते हैं तो फिर क्या आउटकम होता है। तो इसको फिर हम इसी स्टोरी को हम ऑन द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड सेल्फ भी एनालाइज कर सकते हैं कि बॉडी का तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो कितना ट्रैवल कर सकता है, तो उसको भी हम ठीक से समझते नहीं। दूसरा एक प्रश्न था कि एक कपल काउंसलिंग में काउंसलर कपल्स को हाथ पकड़ के बिठा देता है और 15 मिनट के बाद सिर्फ 10% कपल्स ने हाथ पकड़े होते हैं, तो काउंसलर ये कंक्लूड करता है कि जिन लोगों ने हाथ छोड़ दिया उनका रिलेशनशिप का हाल तो खराब है। तो ये ध्यान दिलाना था स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के थ्रू कि फीलिंग और उसका एक्सप्रेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इस बात को हम बहुत तरह से इस कोर्स में बात करते ही हैं कि हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं हो जाता कि अफेक्शन है, केयर है ना, वो सिर्फ उसका एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, फीलिंग कंटिन्यूअस होती है, और एक दूसरे को इक्वेट नहीं कर सकते। तो ये एक प्रश्न था। मूविंग फर्दर, एक ये कहानी जो है मैंने ली थी सुधा मूर्ति जी की किताब से। तो इसमें एक बच्चा है जो एक सुधा मूर्ति के पेरेंट्स के घर में आता है, इज लुकिंग, वो शेल्टर ढूंढ रहा है, उसके पास कोई घर नहीं है, कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं है, तो वो उस बच्चे को अपनी फैमिली में ले लेते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है और इवेंचुअली वो मूव आउट कर जाता है और एक मंदिर में पुजारी बन जाता है, शादी कर लेता है, फिर उसका एक ग्रैंडसन है, तो वो ग्रैंडसन आईआईटी मद्रास में उसका एडमिशन हो जाता है। तो अब उसको पैसा चाहिए, तो वापस फिर से लौट के सुधा मूर्ति के पास आता है कि आप मेरी ग्रैंडसन के लिए लोन दे दीजिए, तो वो लोन दे देती है क्योंकि उसको तो वो उनके दादाजी को जानती है। लेकिन ये बच्चा इवेंचुअली बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कभी भी लोन वापस नहीं करता है। तो ये इस प्रश्न से ये मतलब आना चाहिए बाहर कि विद ये एजुकेशन संस्कार है ना, उसका क्या वैल्यू है कि हम मतलब ग्रैंडफादर अगर संस्कारी थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रैंडसन भी होगा। तो ये इससे ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई नो एजुकेशन संस्कार तो हमको चाहिए ही चाहिए। एक प्रश्न था कि लेबर बेटर है या एक्सरसाइज, और इस प्रश्न के जो उत्तर स्टूडेंट्स ने लिखे उसने मुझे सच में हिला के रख दिया। स्टूडेंट्स ने लेबर को इक्वेट किया कंस्ट्रक्शन वर्क से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसको कंस्ट्रक्शन वर्क से इक्वेट किया और सबको लगा कि मतलब लेबर तो हम कहाँ करेंगे, और फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये समझ में आया कि लेबर करने का आज की तारीख में कम से कम आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो एक घंटा जाके कहीं पे लेट से खेत में काम करना चाहते हैं या किचन में काम करना चाहते हैं, कुछ भी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये भी सुधा मूर्ति जी की किताब से है और ये भी लाइफ स्टोरी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, तो एक लेडी दूसरी लेडी को बता रही है कि माय डॉटर इज क्वाइट यूजलेस, आई वांट हर टू वर्क समवेयर बट आई डोंट नो हु वुड एम्प्लॉय हर। तो प्रश्न ये था कि क्या मतलब इसी बात को
इसमें क्या भाव है, ये भाव किस किस को एक्सेप्टेबल है, और इसी बात को क्या हम सही भावना के साथ कह सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट था उसमें ये पांच क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए, दिस इज पार्ट ऑफ यू नो बिगर क्वेश्चन पेपर एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो क्लास के डिस्कशन से ही ओरिजिनेट हुए। जैसे कि एक स्टूडेंट सोचता था कि मतलब ये जो ज्ञान है ना, ये हाफ हंग्री लोगों के लिए तो नहीं है। और कुछ मैं क्लास में कई बार चीटिंग का जिक्र करती थी स्टूडेंट के लेवल पे, तो एक स्टूडेंट हमेशा मुझे बोलता था कि नहीं, इतनी चीटिंग नहीं है जितना आप समझ रही हैं, ओनली वीक स्टूडेंट्स चीट। तो मैंने कहा ठीक है तुम इसको एक्सप्लोर करो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंसीव हुए और बाकी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स म्यूचुअल डिस्कशन से। फिर वी हैड एक पूरा हम लोगों ने सेशन किया था एक घंटे का, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने प्रपोजल्स लेके आए थे, फिर हमने उनको डिस्कस किया उन बच्चों के साथ। हम चार लोग थे, डिस्कस किया हम लोगों ने और उनको हम लोगों ने काफी उसको क्रिस्प किया, उनको हेल्प किया उसको ठीक से फॉर्मुलेट करने में। तो यहाँ मैंने छह प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, प्रोजेक्ट्स तो करीबन 20 थे। तो इसमें लोगों ने कुछ मूवीज को एनालाइज किया, जैसे दृश्यम मूवी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, दृश्यम एंड दृश्यम 2, इसको पॉपुलेट एनालाइज किया। और मैं तो एनालिसिस देके सच में ऐसा हैरान थी कि उन्होंने हर कैरेक्टर का जो गुण था उसको भी पकड़ा और जो नहीं था उसको भी ठीक से पकड़ा। कि जैसे हीरो है वो केयर कर रहा है लेकिन गाइडेंस मिसिंग है, तो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। और मेस वर्कर्स ने एक्सप्रेस किया कि हाँ स्टूडेंट्स मतलब इग्नोर ही करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि हम हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सरप्राइजिंग था। और उन्हें ध्यान गया कि जो लोग उनके सिस्टम को, जो उनके सिस्टम का हिस्सा है, उन्हें एक्नॉलेज तो कम से कम करना ही चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे ग्रुप ने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को डिस्कवर किया सपोर्टिंग स्टाफ में। तो जिन लोगों ने ये चीटिंग वाला प्रोजेक्ट किया था उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये कोर्स जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स शुड बी मेड अ कंपलसरी कोर्स, बिकॉज दिस विल नेचुरली टेल स्टूडेंट्स हाउ दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर पार्टिसिपेशन without having to tell them do this, don't do this. So yeah, then one group explored aspirational factors to lead a happy life. So they talked to students of class 10, BTech students, then people who are doing job and people who have been in job for about 10 years. So this included all successful people. And people who had been in the job for 10 years, one IAS officer, one person in consulting, very high paying job, they also said that job is only one part of a job jo hai wo pure jeevan ka ek bahut chhota sa hissa hai, bahut hi matlab usse agar ye soche ki sirf job jo hai jo employment hai उससे जीवन फुलफिलिंग हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए तो आपको जीवन के दूसरे जो आयाम है उनको देखना पड़ता है। तो छठे प्रोजेक्ट में उन्होंने स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मेस वर्कर्स से बात किया, और उससे उन्हें ये समझ में आया कि जो लोग हाफ हंग्री हैं, जिनके पास काफी फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, वो बेसिकली मतलब सही समझ का अभाव है। जैसे एक मेस वर्कर ने बताया कि वो 500 रुपया रोज कमाता है, 600 रुपया, लेकिन उससे आधे की शराब पी लेता है और जाके जुआ खेल लेता है और घर में पॉवर्टी बनी रहती है, घर में फिर भी प्रॉब्लम है। तो उसने बोला मुझे समझ में आता है कि मेरी आदतों की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फुलफिलिंग थे।
तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने, अच्छा तो अब बारी आती है फीडबैक की। तो हम लोगों ने एक शेयरिंग सेशन किया था टूवर्ड्स, मतलब कोर्स के आखिरी से पहले दिन, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स ने शेयरिंग किया था, तो उनमें से दो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे जो फाइट्स इन द फैमिली है, ये फीडबैक जिन्होंने दिया था वो मिस्टर आप प्रतिम विश्वास हैं, वो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे सामने हैं, आप उनको अभी देख पा रहे होंगे। तो मैं उनको माइक दे रही हूँ, वो अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे। वो स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन नहीं है लगता है, स्टूडेंट्स वाला जो वीडियो है वो मनोरंजन, बताओ कौन सा वीडियो है उसको ऑन करा जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वेलकमिंग मी। तो ये पॉइंट जो फाइट्स इन द फैमिली, ये मैडम जो हमारी एक फीडबैक, जो हमारा एक फीडबैक सेशन हुआ था कोर्स के एकदम आखिरी की तरफ, वहाँ पे हम सब कुछ अपनी बातें शेयर कर रहे थे, हाउ द कोर्स अफेक्टेड आवर लाइव्स, व्हाट हैव वी लर्न्ड फ्रॉम दिस कोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वीना जी, अगर अभी एक मिनट, वीना जी अगर आप ये स्टॉप कर देंगे ना शेयरिंग वाला, ये जो पीपीटी वाला पार्ट है, तो वीडियो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। स्टॉप करने बोल रहा हूँ। हेलो, सो तो वो जो हमारा एक सेशन हुआ था कि जिसमें हम लोगों को बोला गया था कि शेयर करें आपके जीवन में ये कोर्स का क्या असर हुआ है, जैसे कि मैम बताई थी दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्स और दिस इज अ कोर्स ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ। तो मेरा पॉइंट एक ये था कि इस कोर्स से मैं क्या लेके जा रहा हूँ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज कॉम्पिटेंस एंड व्हाट इज इंटेंट। ये बात ये कोर्स करने से पहले आई हैड नो आइडिया कि ये दोनों चीजें अलग भी होते हैं। मैम हमको बताएं कि जब भी हमारी किसी के साथ ऑल्टरकेशन होता है, जब भी हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है या कोई मन का भेद होता है, तो हम लोग सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उसके इंटेंट में कोई दिक्कत था, उसका इंटेंट सही नहीं था। तो ऐसे सोच के हम एक ईविल को स्थापित कर देते हैं उस इंसान के अंदर। पर जब भी कभी हमारे से कोई गलती होती है और उसकी वजह से कोई ऑल्टरकेशन होता है, तो हम हमेशा अपनी कॉम्पिटेंस को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा हम में वो काबिलियत नहीं थी पर हमारा इंटेंशन तो सही था। तो मैम हमको ये सिखाएं कि हमेशा जब भी कोई दुविधा आप फेस करो तो हमेशा उस इंसान के इंटेंट पे सवाल करना हमको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज द नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हर इंसान का सेम होता है, बेसिक एस्पिरेशन जो हर इंसान का सेम होता है, उसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि हर इंसान का इंटेंट सही ही होता है। जो दिक्कत होता है उनकी कॉम्पिटेंस में होता है, शायद उनको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शायद वो सामने वाला इंसान सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनफ नहीं किया है, इसकी वजह से शायद ये ऑल्टरकेशन हुई है या उनसे कोई गलती हुई है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम इनको ये दिए थे कि जैसे हम अभी हॉस्टल में रहते हैं तो घर वालों से हमारा बातचीत दिन में एक बार या दो बार ही होता रहता है फोन पे। तो पहले पहले तो ये होता था कि कभी फोन पे कुछ झगड़ा हो जाए घर के किसी के साथ, या ऐसा कुछ नोकझोंक हो जाए कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो वो जो मन में घाव बन जाता था वो हम कैरी करते रहते थे एक दिन तक, दो दिन तक, बिकॉज आई यूज टू, मतलब हम क्या करते थे कि उनके इंटेंट पे सवाल उठा देते थे कि शायद इनका इंटेंट ही सही नहीं होगा, हमको समझना चाहते ही नहीं होंगे,
हम ये नहीं कभी सोचे कि ये शायद हमको समझ नहीं पा रहे हैं। है हमारे पेरेंट्स, सही बात है, लेकिन वो भी इंसान है, उनके भी कॉम्पिटेंस में कुछ ना कुछ खामी शायद रह गई होगी जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो जनरेशन गैप है, हमारी बात शायद कोई कारण से समझ नहीं पा रहा। तो जब से ये कोर्स के कारण हम ये खोजना शुरू किए कि अच्छा, इस इंसान का इंटेंट तो सही ही होगा, इनका केयर हमारे तरफ है, सही है, इनका गाइडेंस हमारी तरफ सही है, फिर क्या दिक्कत हुई? फिर दिक्कत यही हुई कि इनके कॉम्पिटेंस में शायद कोई गड़बड़ था, या हमारे बीच में शायद कम्युनिकेशन में कुछ गैप हो गया था जिसकी वजह से ऑल्टरकेशन हो गया। जब से ये हम अपने जीवन में हर ऑल्टरकेशन में अप्लाई करने लगे कि अच्छा, सामने वाले इंसान के कॉम्पिटेंस में कोई गलती होगा, और उसको सोच के निकालने लगे अच्छा ये था दिक्कत, तो क्या होने लगा कि वो जो मन का घाव हम लेते जा रहे थे एक दिन तक, दो दिन तक, बातें सही से नहीं हो पा रही थी बस उस दो मिनट के झगड़े की वजह से, तो वो खत्म हो गया। उस दो मिनट का झगड़ा ज्यादा से ज्यादा एक घंटा तक चला, उसके बाद वी वर लाइक अच्छा, तो ये दिक्कत था, लेट्स कम हाफ वे, आप इतना आइए, हम इतना आते हैं, यहाँ पे मीट करते हैं, तो फिर वी गेट टुगेदर अ गुड फैमिली। सो ये कोर्स हम जब शुरू किए थे, हमको इतना एक्सपेक्टेशन, हम सोचे नहीं थे कि इतना कुछ अफेक्ट कर जाएगा हमारे लाइफ में, लेकिन किया तो जरूर। तो इतना ही हमको था शेयर करना। अब हमारी हमारी एक को स्टूडेंट, वो अभी आपको कुछ फीडबैक की कहानी सुनाएंगी। रिक्स नाम है उनका। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा ओके, तो ये कोर्स बहुत अच्छी थी। तो मेरा नाम रिक्जिन है, मैं लद्दाख से हूँ, मैं यहाँ पे एमटेक कर रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो ये कोर्स जैसे सर ने अभी बताया, मैम ने भी बताया कि कोर्स के बारे में, तो हमने बहुत कुछ सीखा कोर्स से कि मतलब मैं भी अपने एक्सपीरियंस जो है फैमिली से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट रिसेंटली मेरे लद्दाख गई थी फॉर 10 डेज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो सब पहले क्या होता था कि मेरे फैमिली में जो मेरे मम्मी है, मेरे दादी को ज़्यादा डांटते थे, मतलब फिर मैं भी चुप रहती थी उस टाइम पे पहले। तो अभी घर जाके क्या हुआ कि जब मम्मी मेरे दादी को डांटती थी, मतलब फिर मैं आई यूज टू टेल माई मॉम की शी डोंट हैव, मतलब राइट, मतलब सबका जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हैप्पी रहना है। अभी जो मेरे दादी जो जो गलती कर रहे हैं वो उसके लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से कर रही है। तो मैं अपने दादी मम्मी को एडवाइस कर, मतलब एडवाइस किया कि वी हैव टू, मतलब हम अपने दादी को ना समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि शी डोंट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू एडवाइस आवर ग्रैंड मदर कि ऐसा करना नहीं, ऐसा करना है, रेदर देन उसको ये बोलना कि ये दादी ये नहीं करना चाहिए, इसे फाइट करने से अच्छा है कि उसको राइट अंडरस्टैंडिंग दिलाना। तो उसकी वजह से मम्मी ने अच्छी से समझाया मेरे दादी को, तो उसकी वजह से मेरे फैमिली में ना हारमोनी जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये मेरी फैमिली में इस कोर्स से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और फ्रेंड का जो एग्जांपल मैंने शेयरिंग सेशन में भी दिया था, क्या हुआ था कि ड्यूरिंग इन दिस समर कोर्स, ये कोर्स चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड को मैंने कुछ सर्टिफिकेट मतलब सेंड करने के लिए मैंने बोला था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिप्लाई नहीं आया। मतलब मैंने उसको 2-3 बार मैंने मैसेज किया उसको, मुझे सेंड करो, उसने बिल्कुल भी मुझे सेंड नहीं किया। तो पहले मैं क्या करती थी ऐसे, मतलब मुझे गुस्सा हो जाता था बहुत ज्यादा, तो मैं ऐसे मतलब बात भी नहीं करती थी। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे फ्रेंड बिजी होंगे, मैं खुद कॉल कर दूंगी, मतलब ऐसा वैसा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फिर वो बोला कि रिक्जिन आई वॉज बिजी विद सम वर्क, आई फॉरगेट टू सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट, सॉरी फॉर द नॉट गिविंग यू द रिस्पॉन्स। तो उसकी वजह से मतलब
अगर मैं पहले की तरह उसको भी मतलब गुस्सा आके बात नहीं कर किया होता तो हम दोनों के बीच में मतलब झगड़ा हुआ होता, बात भी नहीं हुआ होता। अभी उसकी वजह से मतलब मैंने जो कोर्स की वजह से जितना मुझे ज्ञान मिल मतलब जो भी मैंने लर्न किया उसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो मेरे रिलेशन फैमिली में हो या मेरे फ्रेंड से भी हो सबसे अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा कोर्स। थैंक यू। राइट तो ये दो स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया। ये लोग अभी यहीं पे मेरे ऑफिस में ही बैठे हुए हैं और उन लोगों ने अपना फीडबैक अभी शेयर किया और ये मैंने यहाँ पे भी इस रिपोर्ट में भी लिखा है। तो ये 4.2 और 4.3 इन दोनों का फीडबैक है और ये लोग अभी बीच में घर भी गए होंगे और इनकी भी जर्नी हमारे साथ साथ चल रही है। एक और स्टूडेंट था टॉलस्टॉय, उसने बोला कि कोर्स के पहले मेरे को अनलिमिटेड पैसा चाहिए था और अब कोर्स करने के बाद बस मुझे 1 मिलियन चाहिए। तो एटलीस्ट एक कैप आ गया है और भविष्य में शायद और भी बेटर हो जाएगा। और एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे कभी जीवन का पर्पस समझ में नहीं आता था, तो अभी कोर्स करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि पर्पस लाइफ का क्या है, तो पार्टिसिपेशन क्या है वो, और कि एक हार्मनी में जीवन जीना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो वो बहुत खुश था और वो कह रहा है कि उसके परिवार के साथ उसने बात की तो समझ में आया कि हम तो काफी प्रॉस्परस है ना, समृद्धि वाला जीवन जी रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि उनका जो कॉन्वर्सेशन बातचीत उनके पेरेंट्स के साथ होती थी फोन पे वो ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन था, खाना खा लिया, सो गए, ग्रेड कैसे आए, बस इतना। लेकिन इसके बाद जो है ठीक से बात होने लगी और उन्हें समझ में आया कि उन्हें भी अपने माता पिता से बात करनी है, तो वो उन्होंने उनके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया और उन्हें ये लगा कि अब वो रिलेशनशिप बहुत फुलफिलिंग होती जा रही है, तो वो बहुत अच्छा था। तो एक और जो चीज मुझे शेयर करनी है वो ये कि इस कोर्स में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ से शेयर किए। तो स्टूडेंट्स का फीडबैक ये था कि जब मैंने उन्हें अपने जिंदगी के उदाहरण दिए, कुछ ऐसे जहाँ पे मैं सफल हुई, ठीक से हार्मनी मेंटेन कर पाई, कुछ ऐसे जहाँ मैं नहीं कर पाई, तो वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाए। उन्हें ये लगा कि जब एग्जाम्पल्स हम देते हैं हिस्ट्री से जो महान लोग हुए हैं तो उससे उन्हें लगता है कि वो लोग कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब आपने अपने जीवन से उदाहरण दिए, अपने माता पिता के साथ रिश्ते संबंध, अपने बच्चों के साथ संबंध, अपना खुद का जीवन, तो उससे उन्हें लगा कि हाँ वो भी कर सकते हैं। तो वो उससे उन्हें अलग तरह का कॉन्फिडेंस आया और उससे वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए। ठीक है, तो इस अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब इस कोर्स में जो पढ़ाते समय जो जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो एक चीज ये कि स्टूडेंट्स को सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन में फर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनली मुझे बताया कि वो देख पा रहे हैं कि मतलब जब आपको वो ऑब्जेक्टिव ठीक से पता हो, उद्देश्य ठीक से पता हो, तो फिर आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, फिर वो अपने आप हो जाता है, मतलब फिर आपकी जिम्मेदारी के साथ आप कर पाते हैं और वो एकदम आराम से हो जाता है। ये मैंने रियलाइज किया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट, उस पर हमें और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे ये लगा कि शायद कुछ और ज्यादा एक्सरसाइजेस, कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल्स क्लास में बैठ के एक्सरसाइज कराना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि वो काफी स्टूडेंट्स ठीक से नेचुरल एक्सेप्टेंस को पकड़ नहीं पाए, तो वो किसी भी चीज को लेके नेचुरल एक्सेप्टेंस लगाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर बैठता नहीं है। ओके, तो वो ठीक से बैठता नहीं है। अच्छा, और
और ये एक फीडबैक मुझे मिला कि क्लास के अंत में जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए वो उनका एक सम अप बहुत हेल्प करता है, तो उसको पूरा कि भाई आज क्या बात हुई उसको एक स्लाइड में हम शेयर कर सकें और फिर उसको कैसे होमवर्क में हमने ट्रांसलेट किया है वो उसको बात कर लेने से स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आया, वो ये सोचते थे शुरू में, स्टूडेंट्स ने ये बोला भी मुझसे कि हम तो अकेले खुश रहते हैं, तो इस क्लास के बाद कोर्स के बाद उनको समझ में आना शुरू हुआ कि वो एक्चुअली अकेले नहीं है और इतना बड़ा सिस्टम है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो बहुत स्टूडेंट्स को अच्छे से दिखाई दिया और उन्होंने सडनली रियलाइज किया कि कितने सारे लोग उनके जीवन को जीने में उनकी सहायता कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये जो ई पॉइंट है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने जिम खोल रखे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खोल रखी हैं, योगा रूम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके लेबर कर सकें। और ये तो सभी लोग को पता ही होगा कि लेबर में एक आउटपुट होता है और एक्सरसाइज में कोई आउटपुट नहीं होता है। तो एक समय पे कुमार संभव ने शुरू किया था खेती करना और काफी सब्जियां उगाई थी, तो जो भी लोग इस चेंज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं हमें जरूर लाना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस तरह की अवसर बनाने पड़ेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स लेबर कर सके। ठीक है, स्टूडेंट्स ने ये सजेशन दिया था कि मुझे और ज्यादा एग्जाम्पल्स देने चाहिए और क्लास को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, समटाइम्स कई बार क्लास थोड़ा बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती है। तो मैं थोड़ा रिलेक्टेंट थी पर्सनली ज्यादा एग्जाम्पल्स देने में, क्योंकि फिर क्या होता है कि हम अपनी थिंकिंग को एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ लेते हैं, जबकि मैं मतलब पर्सनली ये चाह रही थी कि मैं मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम एब्स्ट्रैक्शन पे जाके ठीक से कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें, रादर देन मतलब एग्जाम्पल की तरह से सोचें बल्कि कॉन्सेप्ट पे सोचें। तो ऐसा मुझे लगा, तो इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो इस कोर्स ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया। ठीक है, मैंने गणेश जी के वीडियोस को सुना, कई कई बार सुना, वो बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स है, एसेट है। और मैं अपने डाउट्स राजू जी से डिस्कस करती थी, गौरव से डिस्कस करती थी, वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो गौरव मेरी क्लास में बैठते थे और मुझे बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देते थे। उससे ये हुआ कि मैं बहुत मतलब प्रिसाइज, मेरा ना एकदम एग्जैक्ट बात मैं करने लगी। तो एक सेंटेंस मुझे याद आता था, मैं बोलती थी वी ऑल नो, तो गौरव ने बोला कि दीदी आपका इससे क्या मतलब है, इसमें हम ये शब्द यूज ही नहीं करते हैं कि वी ऑल नो, हम एक्सप्लोर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, नो की बात हम करते ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे वो प्रिसाइज हुआ। और जब कुछ मैं अच्छा एग्जाम्पल दे देती थी तो वो भी बहुत गौरव एकदम पकड़ के मुझे बताते थे। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम लिमिटेड सामान पैक करते हैं, हमें पता है कि जैसे चार दिन की यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें पता है कि भाई अगर हम ह्यूमिड जगह में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, 8 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, बहुत रखे तो 10 जोड़ी। तो ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा है, तो हमें पता है कि लिमिटेड सामान ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ये उदाहरण आपका बहुत अच्छा था। तो ये बहुत मेरे लिए उनका होना क्लास में बहुत ही योगदान उनका बहुत ही ज्यादा है। और मनोरंजन और चंदन ये लोग हमें ग्रेडिंग में हेल्प कर रहे थे, होमवर्क्स बना रहे थे, क्विजेस बना रहे थे, ग्रेडिंग कर रहे थे। मनोरंजन बिल्कुल कहते हैं अरे मेरा नाम ही मनोरंजन है दीदी, तो वो हर समय हंसते हंसाते रहते थे और उनकी वजह से ग्रेडिंग हम लोग आराम से कर पाए, सभी के प्रति मेरा आभार। तो इस पूरे कोर्स में ये हुआ कि मैं अपने प्रति और ज्यादा सजग हो गई और सबसे ज्यादा जो चेंज आया वो मुझे अपना पार्टिसिपेशन, अपना रोल बहुत ठीक से दिखाई देने लगा प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में।
और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो कुछ लोगों के साथ जिनके साथ मेरा संबंध बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, बात ही नहीं होती थी, तो जब उन लोगों से मुलाकात हुई तो मैं बिना किसी अपोजिशन की फीलिंग के उनको जाके बात कर सकी, और आके मैं आराम से क्लास के उस बात को मैंने शेयर भी किया। तो जब मैं एक ऐसे ही व्यक्ति से मिली और उनको मैंने बोला नमस्कार आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा अरे मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो अभी भी ये नहीं देख रहे कि उन्होंने जब वो मेरा दिल दिखा रहे थे या ऐसा वो सोच रहे थे तो उनकी स्थिति क्या थी। पर मेरे पहले का समय होता तो मैं तुरंत उनको ये बात बता देती, लेकिन अभी मुझे ये समझ में आ गया कि अभी वो रेडी नहीं है, तो मुझे कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया और मैं उनको वक्त दूंगी, फिर कभी बात होगी तो बात करेंगे। ठीक है, ये कोर्स पढ़ाना जो है काफी चुनौतीपूर्ण था। एक तो ये कि अटेंडेंस जो है कभी भी 50% भी बेयरली पहुंच पाती थी, 76 स्टूडेंट्स में से 30-35 स्टूडेंट्स क्लास में आते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास के बाहर भी मेहनत की और कॉन्सेप्ट्स को सीखा, ना केवल सीखा उनको अप्लाई भी किया, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। और मुझे नहीं पता है कि मतलब अटेंडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि इस कोर्स को मैंने बिल्कुल अपना बना के पढ़ाया, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा कि क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं पढ़ाऊँ, जो भी मुझे हेल्प चाहिए थी वो मुझे मिली, और ये मेरे ख्याल मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं इसको बिल्कुल अपने ढंग से पढ़ा पाई जैसे मैं पढ़ाना चाहती थी। और मुझे लगता है कि वो मैं तभी कर पाई जब मैं अपने ऊपर भी साथ साथ काम कर रही थी। अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन सूचना के आधार पे पढ़ा रही होती तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती, लेकिन क्योंकि ये जीने का कोर्स है, जीवन को बेहतर बनाने का कोर्स है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरा अब ये एक हो गया है मेरे साथ कि पहले मैं किसी को भी कुछ भी बात करने से मैं नहीं बात करती थी, मैं कहती थी अपने आप ढूंढेगा अपना रास्ता, लेकिन अभी मैं अगर देख पाती हूँ क्लियरली कि ये इंसान मतलब मैं ये बात कह सकती हूँ, आज नहीं तो कल समझ में आ सकती है, तो मैं कहने लगी हूँ, मैं बात करने लगी। तो ये सब हुआ और आप सभी लोग के सहयोग से है ना, बाबा जी, गणेश जी, राजू जी, अर्चना जी, अमितेश, अभिषेक, श्याम, मतलब किस किस का मैं नाम लूँ, सभी ने बहुत सहयोग किया और मुझे मतलब पूरी फ्रीडम थी, तो मैंने पूरी किताब को भी काफ़ी एडिट किया क्योंकि मुझे वो किताब के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं लगते थे, तो मैंने उनको पूरा सब काफ़ी चेंज कर दिया और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स के साथ उसको किताब को शेयर किया। तो इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिलना, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाना, वो अपने आप में एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। तो मेरा तो कोई कंटेंट है नहीं, मैंने सिर्फ डिलीवर किया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सभी की, सभी का बहुत बहुत आभार, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू शेयर। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगी मैं आंसर कर सकूँ। रीना जी, कुमार गौरव और मनोरंजन अगर है तो अगर उनका भी कोई इनपुट है, और फिर क्वेश्चंस को जरूर लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी। जी अच्छा रहेगा। अपना वीडियो ऑन ही रखिए रीना जी। नमस्ते, आवाज आ रही थी? हाँ, गौरव आ रही है, आवाज आ रही। जी जी, नमस्ते। जैसा दीदी ने बताया है ना, तो कोर्स
इस तरह से दीदी के लिए बहुत फुलफिलिंग रहा, उसी तरह से मेरे लिए भी बहुत सारा फुलफिलिंग रहा है, अपने सीखने के लिए भी बहुत सारा हो पाया। एक बात मैं देख पाया कि शुरुआत में जैसा दीदी कह रही थी कि मैं कोर्स में ऑलमोस्ट बैठा है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक बैठा हूँ, तो शुरू में जब मुझे फीडबैक देना था या दीदी से बात करनी थी तो पहले दूसरे दिन मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी ना, मैं कैसे फीडबैक दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से दीदी का रिस्पांस आया है ना, जितना रिसेप्शन जैसा उन्होंने ना दिखाया, और फिर जिस तरह से इतने ओपननेस के साथ उन्होंने उसको हम दोनों के इंटरेक्शन को इतना ओपन बना दिया कि मैं बहुत आराम से उनके साथ सब कुछ शेयर कर पाया। मतलब कहीं भी ये नहीं लगा कि ना मुझे कुछ छिपाना है या मैं ये तो नहीं बोल सकता है ना, ये इतनी सीनियर टीचर है तो मैं कैसे बोलूँ इनको ऐसा, तो वो बात बीच में कभी आई नहीं। इनफैक्ट उस पूरे इंटरेक्शन में ये भी हुआ कि हम लोग बहुत सारी अपनी पर्सनल शेयरिंग को भी कर पाए, एक तो कंटेंट पे शेयर कर पाए और उस कंटेंट से रिलेटेड जो जो पर्सनल जर्नी हमारी दोनों की रही है उस पर भी हम लोग शेयर कर पाए, तो हम दोनों के बीच का जो एक है ना पर्सनल बॉन्डिंग हुई वो भी बहुत अच्छी हो पाई है। और मेहनत तो बहुत सारी हुई है ना दीदी की तरफ से, तो ये तो मैं देख पाता हूँ कि इस पूरे कोर्स 2 महीने का कोर्स था और इस पूरे 2 महीने में इन्होंने मोर और लेस जो टाइम था ज़्यादातर समय इस कोर्स को ही डिवोट किया है। पूरा ये जो बुक के चैप्टर्स को रीराइट करना था वो अपने आप में कितना बड़ा काम था, तो भी देखता हूँ कि इस कोर्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आउटपुट भी आ पाए जो कि पहले से हमने सोचा नहीं था कि इस कोर्स का ये भी आउटपुट आ सकता है। लेकिन एक तो कोर्स रन हुआ, उसके साथ साथ और भी एडिशनल बहुत सारे आउटपुट्स भी आ पाए जो कि इस कोर्स की अलग से अचीवमेंट दिखते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है इतने मनोरंजन हम लोगों के साथ थे, मनोरंजन में मैं मनोरंजन को देता हूँ, मनोरंजन शेयर करेंगे। तो नमस्ते सभी को। सो मेरा काफी मिनिमल रोल था इस कोर्स में, ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो एक चीज जो मुझे काफी अच्छा लगा इस कोर्स में कि हम लोग ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराए, तो वो कोई भी बुक और स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स ये सब ले करके आ सकते थे, ताकि उनका एक रोट मेमोराइजेशन वाली चीजें ना हो कि जस्ट वो सिर्फ याद कर लिए हैं और वहां पे आके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रादर देन वो एनालाइज कर पाए अपने लाइफ के सिनेरियोज और इस तरह के केस स्टडीज। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इस कोर्स में हम लोग कर पाए। और दूसरा जो मुझे जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि ये ग्रेडिंग को और कैसे ह्यूमेन और कैसे हम हेल्पफुल बना पाए कि वो सभी बच्चे एक जर्नी में हैं, उनकी यात्रा है, तो हम उनको कैसे हेल्प कर पाए। तो एक चीज़ जो मुझे आया ध्यान कि हम लोगों ने इस बार असाइनमेंट्स दिए थे, होमवर्क में रिटन असाइनमेंट्स थे जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में डील कर रहा था, तो मुझे लगा कि उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं वो तो रखें, साथ में जो हम उनको रिटन चेक कर रहे हैं उसके जगह पे हम उनको हर 5-6 बच्चों को एक जो वर्कशॉप से गए हुए हैं, जनरली हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते हैं 5-10 लोग 20 लोग जो इस वर्कशॉप के थ्रू गए हुए होते हैं, तो वो सबका पार्टिसिपेशन हो, वो सब एज ए मेंटर उनको गाइड करें और वो जो लिखे हैं उसको सुने और उनको हेल्प करें, या फिर उनको हम बताएं कि हाँ कहाँ कहाँ वो और ध्यान दे सकते हैं या क्या इश्यूज हैं, तो दैट विल बी मच बेटर। दोनों तरफ से, बच्चों के तरफ से भी होगा कि एक और इंगेजमेंट हो पाएगा, वो शेयर कर पाएंगे पर्सनली 1-to-1 बेसिस, और दूसरे जो और वॉलेंटियर्स हैं और जो वर्कर कलीग्स हैं वो सब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाकी तो काफी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, थैंक यू। बहुत अच्छा, सबकी सूचना के लिए हम बता दें कि मनोरंजन जो है वहाँ PhD स्टूडेंट हैं और कुमार गौरव वहाँ के एलुमनाई हैं जो कि अब HBTI कानपुर में पढ़ा रहे हैं। अब लोग अपना वीडियो ऑन ही रख सकते हैं, दोनों वीडियोस को ऑन ही रख सकते हैं।
जी बीना जी। हाँ जी, मतलब ये मैं बताना शायद भूल गई थी कि एक्चुअली एग्जाम ओपन बुक था, तो स्टूडेंट्स सारा मटेरियल लेके आते थे और उसके बाद वहाँ पे बैठ के पढ़ के भी वो एग्जाम आंसर कर सकते थे। जी, तो कोई भी प्रश्न हो तो हम आंसर कर सकते हैं, वरना मेरी तरफ से तो हो गई बात। एक प्रश्न तो आया है कि जो इसमें क्या कठिनाई जो थी वो आई, और जिन लोगों का हैंड रेस्ड है उनसे पवनेंद्र जी आप करेंगे या हम करें फिर उसको बताइए जी, तब तक कठिनाई के ऊपर बता सकते हैं कि क्या मेजर हर्डल्स थे इसमें। हाँ, तो मेजर हर्डल तो यही थे, एक तो मतलब ये मुश्किल था कि अटेंडेंस मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्लास में आते हैं वो तो बहुत ही कुछ लेके गए, लेकिन जो लोग क्लास में नहीं आए उन्हें नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको कैसे क्लास में लाया जाए। एक तो ये डिफिकल्टी थी काफी बड़ी। दूसरी जो मैंने शेयर किया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसान नहीं है पकड़ना, तो उस पर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके अलावा तो मुझे लगता है कि कोई और मेजर चैलेंज नहीं था, क्योंकि जो लोग क्लास में आ रहे थे वो तो काफी, मतलब उनका चेहरे देख के तो मुझे लगता था कि कितने प्रसन्न हो गए, जैसे हर दिन कुछ खजाना जैसे लेके जा रहे हो। तो उसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसा चैलेंज नहीं दिखा। प्रोजेक्ट्स करने में स्टूडेंट्स को मजा आया, काफी उत्साह के साथ लोगों ने किए। एग्जाम के भी काफी मतलब कि सभी ने बोला अच्छा था, तो और तो मुझे कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं दिखा। स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं कि क्या आप लोगों को क्या चैलेंज लगा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर और कोई प्रश्न हो, क्योंकि वो स्विचिंग करने में थोड़ा इश्यू होता है। विनय चिद्री जी है जी। जी 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 जी, विनय दीदी नमस्ते। मैं महाराष्ट्र संभाजीनगर से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आईआईटी के जो छात्र होते हैं तो इनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स के बारे में तो काफी क्लैरिटी होती है, और ये मैं देख पाता हूँ कि उनका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, और वो अपनी निर्णय लेकर ही आईआईटी तक पहुंचे हुए होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण भाग से कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा कॉलेज है, यहाँ पे काफी सारे जो स्टूडेंट हैं, करीब 30-40% स्टूडेंट जो हैं वो ग्रामीण भाग से आते हैं, और उनको मोस्टली उनके पेरेंट्स या उनके किसी ने भेजा होता है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वो अपने बारे में ही सीरियस नहीं होते। तो क्या इस तरह का कोई एनालिसिस आपने देखा अपने स्टूडेंट के प्रति जब ये कोर्स पढ़ा रहे थे, कि समझ के बारे में जो है समय अलग अलग लगता है, या जो सीरियस नहीं है उनके प्रति, तो कोई ऐसा एनालिसिस है कि अलग अलग स्टूडेंट जो ग्रामीण भाग से आए हैं या जो अपने बारे में सीरियस नहीं है, और जो सीरियस हैं, जो समझदार, ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनली समझदार है, एकेडमिकली अच्छे हैं, तो इनके बारे में कुछ आप बता पाए तो बढ़िया हो। जी, मैं आराम से आपको बता सकती हूँ। आपने बहुत सारी बातें कही, उनमें से मुझे नहीं पता कि आपने कभी डेटा इकट्ठा किया है नहीं किया, पर आईआईटी में भी एक बहुत बड़ा भाग है लोगों का जो इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं था। हर कोई यहाँ आता है वो अपनी मर्जी से नहीं आया होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए आए होते हैं क्योंकि क्या ऑप्शन है, डॉक्टर नहीं बनना है और वकील नहीं बनना है, तो क्या बनना है भाई, इंजीनियरिंग बची है, पढ़ने में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। तो एमटेक की क्लास में 50-60% स्टूडेंट्स ये बता चुके हैं, हमने डेटा इकट्ठा किया था, कि वो इंजीनियरिंग तो पढ़ना ही नहीं चाहते या वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। तो ये सोचना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो उन्हें क्लैरिटी है अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टूडेंट तो मेरे साथ पास कितनी बार आया ये पूछने की, मैंने बीटेक खत्म कर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं क्लैरिटी होती, और ये इससे भी क्लियर हो जाता है कि ये लोग जॉब ज्वाइन करते हैं और 2 साल के अंदर सब जॉब छोड़ के
कुछ और कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं या कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। फिर दूसरी बात जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में या उन्हें अपने बारे में, वो अपने बारे में ही सीरियस नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि जिन जो लोग ऑलरेडी जागृत नहीं हैं और अपने बारे में जागरूक नहीं है, तो हम लोग तो है ही ट्रेनिंग के बिजनेस में, हमारा तो काम ही है, बिजनेस सही शब्द नहीं है, हम लोग का तो काम ही है लोगों को ट्रेन करना। तो जो जितना सोया हुआ है उसको जगाना उतना ही मतलब आनंद का काम है। और ऐसे ही मैंने मतलब अपने प्रोफेशन को, एज टीचर को, मैं तो ऐसे ही अपनी जिंदगी को देखती हूँ कि मतलब जो जागा हुआ है उसे तो क्या जगाना, लेकिन जो सो रहे हैं उन्हें जगा के जो आनंद प्राप्त होता है उसका तो मतलब अलग ही आनंद है। तो और ये सोच लेना कि मतलब कोई ग्रामीण परिवेश से आ रहा है तो उसको मतलब हमें उसमें थोड़ा सा और ज्यादा, यहाँ भी आईआईटी में भी बहुत लोग आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं, यहाँ आते हैं तो बहुत लॉस्ट फील करते हैं। तो मुझे तो विशेष आनंद आता है उन लोगों से कनेक्ट करने में, उनसे कनेक्ट करिए, बात करिए, तो वो तैयार ही होते हैं, मतलब सेल्फ के ग्रोथ के लिए तो वो तैयार होते ही हैं, ऐसा मेरा अपना है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि मतलब डेटा है, एनालिसिस हुआ है, जितना हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं और डेटा पूछ सकती हूँ कि भाई हमारे आईआईटी में कितने लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आजकल तो काफी संख्या बढ़ गई है आईआईटी में भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका शेयरिंग भी बहुत बढ़िया रहा, दोनों बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से रखा, तो हमारा उत्साह और बढ़ गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। मधु शर्मा जी, मधु दीदी, मधु शर्मा जी, आपके पास माइक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। कृष्ण गोपाल जी, नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कृष्ण गोपाल जी, हाँ भैया, बहुत ही प्रेरणादायक प्रेजेंटेशन था दीदी, और क्योंकि मैं भी ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ाया, मैंने भी अभी इसी सेमेस्टर में, तो मेरे लिए काफी चीजें सीखने की थी उसमें, पर्टिकुलरली जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने भी दिए, लेकिन आपने कुछ और एग्जांपल्स ऐड किए हैं, प्लस स्टूडेंट्स के फीडबैक में भी आया कि अगर एग्जांपल्स और ज्यादा हो तो ये मुझे भी मिला फीडबैक। दूसरा आप एक प्लस पॉइंट और लगा जो कुमार गौरव भैया और जो आपके और फैकल्टी या जो बाकी सपोर्टिंग सिस्टम था, ये एक और अच्छा सिस्टम है हमारे रियल फीडबैक के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम से वो फीडबैक नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ भी और फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने यूएचवी किया हो तो उनको कुछ क्लासेस में हम इनवाइट करके बिठा सकते हैं और हमारे बारे में रियल फीडबैक मिल सकता है, तो एक इंस्टेंटेनियस हमें सब वो मिलेगा फीडबैक, तो हम अपनी क्लासेस को, आगे की क्लासेस को ठीक से प्लान कर सकते हैं। आपने एक जो मेरा क्वेश्चन था अटेंडेंस इशू, वो मुझे भी आया थी, बट आपने भी बोला कि उस पर अभी आपने कुछ ज़्यादा वो रिजोल्व नहीं कर पाए हैं। डे बाई डे तो स्ट्रेंथ बढ़ी थी लेकिन स्टार्टिंग्स कम रही, लेकिन उसमें भी रेगुलरिटी बहुत कम थी, तो वो इशू मैंने भी फेस किया, पर मुझे भी कोई इसका भी ऐसा रिजोल्यूशन नज़र नहीं आया। आपका सबसे इसमें जो प्लस पॉइंट मुझे लगा, प्रोजेक्ट का जो पार्ट आपने लिया है, एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि हमारा सेमेस्टर दो क्रेडिट कोर्स है हमारी यूनिवर्सिटी में ये, और उस कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, अभी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो यूएचवी वन या सेकेंड इस तरह का कोर्स हमारे यहाँ नहीं है। और ह्यूमन वैल्यू जो सब्जेक्ट है उसमें जिन्होंने भी सिलेबस डिज़ाइन किया है, लगभग उन्होंने इसमें यूएचवी वन टू और थ्री तक का सिलेबस डाल दिया, और लेक्चर्स केवल मैक्सिमम पूरे सेमेस्टर में मैक्सिमम 28 लेक्चर्स मिल पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस सिलेबस को कम्प्लीट करना भी। और बट मैंने जो स्टार्टिंग टॉपिक्स थे जिन पर एम्फेसिस करना चाहिए पूरा किया था, तो ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट मेरा अभी भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स छोड़ी एग्जाम्स हो गए लेकिन मैंने 7 days बच्चों को बुलाया था, तो आपका जो ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट, आपने प्रोजेक्ट्स के टॉपिक जो मैंने देखे, जो 6-7 टॉपिक्स आपने दिखाए हैं, काफ़ी मुझे अपीलिंग लगे, तो और इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप इस ये टॉपिक आप लोगों ने कैसे डिज़ाइन किए, कैसे कंक्लूजन पर पहुंचे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के,
थोड़ा और डिटेलिंग अगर करेंगे तो मुझे अभी इमीडिएटली हेल्प मिलेगी बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने में या उनके साथ प्रोजेक्ट करने में। तो बेसिक क्वेश्चन मेरा प्रोजेक्ट मेरा क्वेश्चन पहुंच पाया दीदी आपका? जी 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 जी। तो देखिए प्रोजेक्ट्स का तो यही हुआ था कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो क्लास डिस्कशन से आए, है ना, कि जैसे चीटिंग वाला था या नो हाफ हंग्री पीपल को ज्ञान की जरूरत है क्या, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो वहां से आ गए। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई आप प्रोजेक्ट्स जो है ढूंढ के लाओ। फिर हम लोग एक सेशन हम लोगों ने पूरा किया था जिसमें हम चार लोग प्रेजेंट थे और हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया कि ये प्रोजेक्ट ठीक बैठ रहा है कि नहीं या इससे आप क्या सीखना चाह रहे हो। तो उस तरह से फिर वो प्रोजेक्ट्स को हमने थोड़ा सा और ज्यादा क्रिस्प किया। जैसे कि दृश्यम मूवी एक स्टूडेंट ने किया तो भाई उसमें आप तुम क्या देखना चाह रहे हो, तो वो एक हुआ। जैसे एक ग्रुप था वो देखना चाह जो भी मतलब प्रॉस्पेरिटी की, भाई प्रॉस्पेरिटी में क्या करना चाह रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों ने कुछ हाफ पेज लिख के दिया था, फिर हमने उनसे डिस्कशन करके उसको ये उनको डायरेक्शन दिया कि ये तुम इस प्रोजेक्ट को इस दिशा में लेके जाओ। तो फिर उन्हें समझ में आया कि ये करेंगे तो हम इससे ये सीख पाएंगे या ये हम ठीक से पकड़ पाएंगे बात को। तो इस तरह से प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ने ही डिसाइड किए थे, हमने नहीं डिसाइड करके दिए उनको। जी दीदी। और फिर उसको दीदी एग्जीक्यूट करने के लिए समय कितना दिया और थोड़ा सा कैसे एग्जीक्यूट किया? तो एग्जीक्यूट ऐसे किया कि हमारे पास ये समर में आईआईटी में डबल पेस पे क्लासेस होती है, तो टोटल 2 महीने का एग्जैक्ट टाइम था। तो हम स्टूडेंट्स को लगभग 3 हफ्ते मिल गए थे। 3 हफ्ते पहले हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल उनके देख के और उनको कंप्लीट करके ओके किया था। और 3 हफ्ते के बाद फिर हमने क्या किया था कि पोस्टर प्रेजेंटेशन करवाया था स्टूडेंट्स का, जो कि मुझे बहुत पसंद है पोस्टर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। पोस्टर प्रेजेंटेशन में क्या किया था कि स्टूडेंट्स अपनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट लेके आ गए थे, तो 8 स्लाइड का प्रिंट आउट लेके आ गए। और क्लासरूम बहुत बड़ा सा क्लासरूम था, उसमें एक एक टेबल स्टूडेंट्स को दे दी और पूरा ग्रुप वो स्लाइड्स को टेबल पे रख के, सिर्फ रखना ही था क्योंकि फ्लैट है चिपकाने की भी जरूरत नहीं थी, तो रख के वहां पे खड़े हो गए और स्टूडेंट्स जाके एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को सुन रहे थे। गए और उन्होंने कहा बताओ भाई अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो 5-10 मिनट में स्टूडेंट्स ने बता दिया। ऐसे ही हमने भी हर प्रोजेक्ट को जाके विजिट किया था। तो जैसे हम 3 लोग थे तो हम लोगों ने 9 प्रोजेक्ट, 8 लगभग थे 20 प्रोजेक्ट, तो 7 प्रोजेक्ट पर हेड आ गए थे और हमारे पास 2 घंटे का समय था। तो हमने 2 घंटे में मतलब मुझे जैसे 2 घंटे में 7 प्रोजेक्ट्स देखने थे, 2 घंटे में 7 प्रोजेक्ट्स गौरव को और मनोरंजन को, तो टोटल हमें 2 घंटे में 7 प्रोजेक्ट देखने थे, तो हमारे पास बहुत टाइम था। तो हमने आराम से जाके एक एक टेबल पे स्टूडेंट्स की बात सुनी, क्वेश्चन आंसर पूछे, उनका फीडबैक लिया, तो बहुत अच्छा था। मतलब मजा आया था प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशंस में भी। तो हमने वो नहीं करवाया था कि हर स्टूडेंट पीपीटी लेके और प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि उसमें फिर बहुत सब कुछ सीरियल में होता है और बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसमें बहुत लाइवली था वो पूरा सेशन। हम लोगों ने कुछ फोटोज भी लिए थे, हम शेयर कर सकते हैं कभी। पर ऐसे हम लोगों ने फिर इवैल्यूएशन किया था और हमने बहुत ज्यादा उसको ग्रैनुअल नहीं रखा था, बस ए बी, और ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ए और बी कैटेगरी में ही रखे थे। एक ग्रुप था जो आया भी नहीं प्रेजेंटेशन देने, उसको फिर हमने अलग से डील किया था। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही अच्छा। हम लोगों को भी इससे सीखने को मिल रहा है और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दीदी अगर आपका नंबर आप शेयर करें तो और कुछ में प्रॉब्लम आएगी तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते वीना मैम, बहुत अच्छा आपका शेयर, आपने जो लाइक क्लास एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज ये एक्चुअली मैं शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ जो एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है,
और उसमें हम लोग भी ये SIP कंडक्ट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम एंड इवन UHV का UHV 1 एंड 2 का हमने लाइक FDP ऑफलाइन किया हुआ है. ऐसे जैसे आपने बताया ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने भी देखा है एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा थियोरिटिकल अप्रोच पसंद नहीं आता है. ये एक मेरा भी लाइक इश्यू था जैसे आपने बोला अटेंडेंस का. अटेंडेंस जी ये भी एक इश्यू था तो मैं लाइक ये कॉन्सेप्ट था कि शायद IITs में अटेंडेंस थिन अटेंडेंस नहीं होता है एंड बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी है कि लाइक यू नो ग्रेजुअली हमारा अटेंडेंस बढ़ा एंड एज आपने कहा कि फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपको दिखा वो हम लोग को भी बहुत एंड एक्चुअली कभी अगर मौका मिला आई विल शेयर अ नोट जो स्टूडेंट्स ने लिखा है अ थैंक यू नोट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो ये सब चीजें तो होती हैं एज एकेडमिशियंस हम लोग को थोड़ा इधर उधर का एक्सपीरियंस रहता है. बट मैम आपको क्या लगता है आपका सजेशन क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जैसे इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग ऑन वैल्यूज अगर हम उसको एप्लीकेशन करते हैं तो क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा एंड बच्चों पे इसका ज्यादा मतलब इफेक्ट होगा. व्हाट डू यू थिंक आपका ओपिनियन क्या है. तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए मेरा तीन आयाम मुझे दिखाई देते हैं. एक तो यह है कि हमारे जीने में वो दिखाई देना चाहिए जो भी उसको पढ़ा रहा है. मुझे लगता है सबसे पहली बात तो वो है कि हमारे जीने में थोड़ा सा ठहराव तो जरूरी है. ठीक है तो वो पहली बात तो ये है. दूसरी बात यह है कि कुछ तो कॉन्सेप्ट्स हैं ही जो हमें शेयर करने ही पड़ेंगे क्योंकि मतलब जो समाज में जिस ढंग से हम बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें हम बहुत गलत ढंग से पकड़ के बैठे होते हैं. तो खाली प्रैक्टिकल करने से होगा नहीं. तो मुझे लगता है ये तीनों ही कंपोनेंट जरूरी है. एक तो हमारे जीने में वो दिखना चाहिए, दूसरा कुछ थ्योरी होना ही चाहिए और फिर प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो मुझे लगता है ये तीनों ही जरूरी कंपोनेंट है. हम थ्योरी को ये कह दें कि इसके बिना काम चल जाएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है. और प्री कंडीशनिंग है कि भाई थ्योरी क्यों सीखनी है ना. तो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो जब सही शब्दों में हम तक पहुंचते हैं तो हम उनके बारे में सोच पाते हैं. तो शब्दों का या अभिव्यक्ति का पर्पज ही वो है कि वो हमारे जो वेग थॉट्स होते हैं उनको कॉन्क्रीट करने के लिए भाषा और उसकी अभिव्यक्ति दोनों का एक जबरदस्त रूल है. तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट के लेवल पे तो शब्दों सही शब्दों में वो बात हमें रखनी ही पड़ेगी ऐसा मेरा सोचना है. जी मैम थैंक यू. एक्चुअली मेरा भी यही है कि लाइक कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड दोनों रहने से amalgamation of all this रहने से I think effective ज़्यादा रहता है वो मेरा भी experience कहता है. Thank you so much ma'am for the wonderful sharing. Thank you all. Namaste to everybody. ठीक है last question हम लोग ले लेते हैं ब्रजानंदन जी से. ब्रजानंदन तिवारी जी. नमस्ते सभी को. मैं मध्य प्रदेश सतना जिले से ब्रजानंदन तिवारी. मैं टीचर हूँ एक्चुअली और अभी हमारे मध्य प्रदेश में UHV का कोर्स है स्कूलों में भी लागू किया गया है. अभी अभी हमने एक इसका सेशन लिया है. एक ट्रेनिंग UHV की हम लोगों ने ली है. पहली बार आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है. ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है. मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाया लेकिन अभी जो भी बातें मैंने सुनी उसमें वीना दीदी ने एक बात कही थी वो वर्क वाला कि बच्चों के लिए एक वर्क का स्पेस होना चाहिए. जैसे उन्होंने बताया कि जिम भी होता है हमारे यहाँ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए वर्क वो चीज़ थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आई है. तो अगर उसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो मेरे लिए समझने में थोड़ा आसानी होगी. जी जी नमस्कार. तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आज किसी भी कैंपस पे अगर स्टूडेंट एक्सरसाइज करना चाहे तो एक योगा सेंटर जिम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब है. लेकिन अगर वो लेबर करना चाहे, लेबर का मतलब है जिससे कुछ आउटपुट भी मिल सके. मान लो खेती करना चाहे वो खेत में
फावड़ा चला के क्यारी तैयार करें, फिर कुछ स्टूडेंट्स उसमें बीज बोना चाहें, या कुछ कोई स्टूडेंट्स है उसके खाना बनाने में शौक है तो वो रसोई में उसके सब्जी बनाना चाहे, कुछ भी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है किसी भी कैंपस पे जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ काम मतलब लेबर कर सकें, कार्य कर सकें, मुझे लेबर का एक्चुअली हिंदी वर्ड पता नहीं है, तो वो ऐसा कोई कार्य कर सकें जिसमें कुछ आउटपुट हो, तो वो हमें अपने कैंपसेस में ये हाँ श्रम कर सकें, तो हमें कुछ ऐसे मतलब अपने कैंपस को चेंज करना पड़ेगा या कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम स्टूडेंट्स के लिए श्रम करने का मतलब स्टूडेंट श्रम कर सके ये संभव हो, ये मैं कह रही हूँ। स्कूल्स में तो इसकी संभावनाएं रहती हैं और एग्रीकल्चर के लिए बच्चों के लिए एक प्रैक्टिकल भी अपन लोगों ने एक न्यूट्रिशन एक वो बनाया हुआ है पोषण वाटिका, वहाँ बच्चे से करते हैं तो वहाँ हम अन्य बच्चों को कैसे इंगेज कर सकते हैं, उसका फीडबैक क्या मिलेगा हमें? हाँ ये क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है ना वो कभी किया ही नहीं है हमने, हमने विद्या को और श्रम को बिल्कुल अलग कर दिया है, जीवन से श्रम को पूरी तरह से हटा दिया है विद्यार्थी के, तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है ना, श्रम को हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही पड़ेगा, जो इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मुख्य कारण है, अब उसको कैसे हल करना है उस पे तो हम लोग को मतलब बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, और उसके आउटकम्स बच्चों को न बता के हम उससे बच्चों से उनमें लगा के हम उनको क्या उसका अचीवमेंट होगा अपना मतलब इसका नहीं, ये तो ये हाँ, मतलब मुझे जी ब्रजभूषण जी मुझे ब्रजनंदन जी मुझे लगता है कि ये तो मंच नहीं है इस बात पे चर्चा करने के लिए, लेकिन हमें किसी जी. समय पे इस बात पे चर्चा करके और उसको मतलब देखना पड़ेगा कि इसको कैसे है ना मूर्त रूप दिया जा सकता है। जी जी ओके थैंक यू दीदी जी बहुत अच्छा वीना जी। पवनेंद्र जी अपने पास समय कितना है, अगर और समय है तो और क्वेश्चंस ले सकते हैं भैया। हाँ दो एक क्वेश्चन तो ले सकते हैं अभी जी जी। तो सत्या शर्मा जी और पैनल में से अगर किन्हीं लोग शेयर करना चाहें, अमित कॉट्स जी आए हैं वो भी अगर कुछ रखना चाहें तो वो जरूर रखें जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा, एकदम प्रैक्टिकल लगा कि कैसे व्यवहारिक रूप में स्टूडेंट के बीच में उतारा जाए, और आपने जो उदाहरण दे के बताया वो तो बहुत ही अच्छा लगा, छोटे बच्चों के साथ उदाहरण और कहानियों के माध्यम से, शायद हम स्कूली शिक्षक हैं तो शायद बहुत ही अच्छे से उनको कंटेंट पहुंचा पाएंगे कहानी सुनाकर या अपने जीवन के अनुभव सुनाकर, तो ये बहुत ही नया ये अनुभव, और कैसे बिल्कुल आनंद के साथ आनंद सभा को यूएचबी को ले जाना है बच्चों के साथ, आज आपका सुनकर मुझे ये लगा कि बहुत ही सरलता से सहजता से और एकदम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करने की ओर कदम कदम बढ़ सकते। मैडम आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू। बैलेंस तो रखना पड़ेगा जिसको थ्योरी कह रहे हैं ना और जिसको प्रैक्टिस कह रहे हैं उसमें संतुलन तो होना ही आवश्यक है। जी जी अपने वो कहा भी। हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा। पवनेंद्र जी अभी बताइए नेक्स्ट। भैया अभी हम लोग पास 5 से 10 मिनट हैं करीब, प्रश्न लिए जा सकते हैं अगर कुछ लोग हैं तो, जैसे कुछ लोग देख रहे हैं और
एक शेयरिंग भी है तो उसको शेयरिंग को शुरुआत ले लेंगे। जी वीना जी, आपके एक स्टूडेंट है उनकी शेयरिंग रखी जा रही है, तो इसके बाद में उसको रखेंगे। हाँ जी ठीक है। और आपके जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनका एक थोड़ा सा और परिचय दे दे तो अच्छा रहेगा। मैं उन लोग को दे रही हूँ तो उनसे पूछ सकते हैं। जी नहीं, नॉट ओनली चैलेंजेस, हाउ हाउ दे सी द कोर्स, आई मीन हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी तो आप हमसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने में हमको क्या चैलेंजेस आए? नहीं, चैलेंजेस तो अब बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये कोर्स आपको क्या लगता है कि ये कोर्स, इस तरह का जो कोर्स है उसको सभी के लिए होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए, उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी होगी और हम अपनी भागीदारी क्या सोच क्या देखते हैं इसमें? आपकी एज ए स्टूडेंट आप क्या भागीदारी करना कर सकते हैं इसमें कि आगे आईआईटी कानपुर में ये कोर्स जो है वो सभी को, अगर आपको लगता है कि इसको होना चाहिए तो आप लोग इसमें अपनी क्या भागीदारी देखते हैं? अच्छा हाँ, जैसे कि ये बात तो अगर हम एक स्टूडेंट के नाते से बोलना चाहें तो ये एक ऐसा कोर्स है, हम लोग बचपन से बहुत सारे कोर्स पढ़ते आए हैं। हम जैसे हम अभी पीएचडी में पढ़ रहे हैं तो हम एकदम स्कूल की उम्र से मतलब पढ़ाई के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे बहुत तरीके के कोर्स किए हैं, लेकिन एक ऐसा कोई कोर्स जो कि बस आपके स्किल्स डेवलप करने की तरफ या एक जॉब ओरिएंटेड जिसको कहते हैं कि आपका करियर उसको डेवलप करने की तरफ जो ध्यान नहीं देता हो, जो कोर्स एज अ इतना होलसम हो कि या इतना मतलब क्या हम हिंदी में ये शब्द बोल नहीं पा रहे, लेकिन इतना चारों तरफ से इतना अच्छे तरीके से तैयार हो कि आपके जिंदगी पे वो असर करे, आपको पहले जीना सिखाएं, स्किल्स डेवलप होती रहेंगी पर आपको जीना सिखाएं, एक ऐसा कोर्स ये तो सभी के लिए होना चाहिए। हम आई स्टम्बल्ड अक्रॉस दिस, मतलब ये कोर्स हम मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा रहेगा। हम कोर्स करने चले आए फिर हमको रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये तो ये इफेक्ट डाल रहा है। तो आई थिंक इसका और थोड़ा स्टूडेंट्स में इसकी क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स को और बताना चाहिए इसके बारे में कि ये भी एक सीखने की चीज होती है, बस अपने स्किल्स डेवलप करने के अलावा भी ये भी कैसे जिंदगी जीना होता है, ये भी एक सीखने का चीज होता है, ये भी एक मतलब प्रयत्न करने का, हर दिन का प्रैक्टिस का बात होता है। तो ये तो हर किसी में होना चाहिए। और एज अ स्टूडेंट आई वुड हम अपने जिंदगी में या इस कोर्स को आईआईटी में कैसे हम यही कर सकते हैं कि हमारे जो देखिए ये कोर्स सभी लोग नहीं करेंगे, मतलब सभी लोग को शायद मौका भी नहीं मिलेगा, तो हमको यही करना है कि हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हॉस्टल के कुछ हैं, कोई भी जिनका डिसिप्लिन शायद हमसे बहुत अलग हो, मतलब पढ़ने का डिसिप्लिन या स्किल्स का डिसिप्लिन हमसे बहुत अलग हो, उनसे भी हमारे ये कोर्स से हम जो घर लेके गए हैं, जो ज्ञान लेके गए हैं, जो प्रैक्टिस लेके गए हैं हर दिन का, वो हमें शेयर करना चाहिए कि अच्छा देखो हमको ये सीखने मिला है ये कोर्स से, या फिर एक कोर्स हमने ऐसा किया था उसमें ये बताया गया था ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, मतलब इसको अपने जिंदगी में आप प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करिए, हम लाए हैं एंड आई हैव गॉट सम एडवांटेजेस फ्रॉम दैट, हमको इससे सुविधा मिला है, हमको इससे फल मिला है। तो हम यही कर सकते हैं कि लोगों में ये बात फैला सकते हैं, और बस आईआईटी ही नहीं उसके बाहर भी हर किसी के पास ये इंफॉर्मेशन का सुविधा नहीं रहेगा, क्योंकि हमको ये सुविधा मिला है तो हमको यही कोशिश करना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको हम फैला सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कर सकें। भैया आप लोग अपने जो इंस्टीट्यूट की कोई स्टूडेंट मैगजीन होती है या कोई
जो अपना मीडिया होता है उसमें कुछ रख सकते हैं शेयर करने के लिए, वो सब काम आप सोशल मीडिया जो है उसको कुछ कुछ रख ही सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। ठीक, वीना जी फिर हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में हम लोग इसको इस सेशन को वापस इनको सौंप देते हैं। जी जी, सबनेत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, और सभी के प्रति मेरा आभार, धन्यवाद।